नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना से संबंधित एक ऐसे युद्ध के बारे में। तो चाइना को आने वाले कुछ ही सालों के अंदर बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला। अब ये युद्ध ना ही भारत के साथ संबंधित है, ना ही साउथ चाइना सी में किसी कंट्री के साथ संबंधित है, और ना ही उसके इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस का कोई हिस्सा है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसको शुरुआत में हमने भी बहुत ही लाइटली लिया था, यहां तक कि उसको ओवरलुक कर दिया और उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं किया था। लेकिन बाद में यूएन में से, यानी कि यूनाइटेड नेशंस में से भी कुछ रिपोर्ट्स आए जिसमें ये बताया गया कि हाल में ये जो परिस्थिति चाइना में है वो 5 साल के बाद एक्सपेक्ट की गई थी, लेकिन वो 5 साल जल्दी आ गई है। इसी के चलते चाइना में एक काइंड ऑफ क्राइसिस सिचुएशन खड़ी हो गई है। तो उसके ऊपर नजर डालेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। साथ ही में यहाँ पर QR कोड दिया है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें ताकि इस प्रकार की खबरें लाते रहें। ना कर सकें तो एटलीस्ट लाइक कर दें ताकि हमको सपोर्ट मिलता रहे और इस वीडियो को YouTube आगे पुश करता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछले 6 दशकों से चाइना इंडस्ट्रियलाइजेशन की ट्रेन में चढ़ के बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और उसकी इकोनॉमी इतनी तेजी से ऊपर चढ़ती गई है कि वो हाल में पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। उसकी जो इकोनॉमी का नंबर बताया जा रहा है वो इतना बड़ा है कि उसके नजदीक पहुंचने में भी भारत को कुछ सा लगने वाला है। अब चाइना की इकोनॉमी में ये जो बड़ा बदलाव आया और ये जो एकदम रैपिड ग्रोथ हुआ उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स शामिल हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा एस्पेक्ट है उसका चीप लेबर। चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में यह कहा जाता है कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, और रीसेंट में सबमरीन के केसेस में पाताल। लेकिन कुछ भी कह लीजिए, उनकी जो वर्क फोर्स है, जो लेबर फोर्स है, वो इतनी मैसिव थी जिसके चलते चाइना इतनी तेजी से आगे बढ़ पा रहा था, इतनी तेजी से उसकी इकोनॉमी डेवलप हो पा रही थी, ऊपर जा रही। लेकिन रिसेंट में जो रिपोर्ट आया है और जो स्टेटिस्टिक्स आए हैं उसके ऊपर से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में चाइना की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। अब ये ऐसा कौन सा फैक्टर है जो चाइनीज इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और संभव दूसरे स्थान से नीचे उतार सकता है? हम जानते हैं कि चाइना की इकोनॉमी बहुत ही बड़ी है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्राइसिस है वो भी उससे कम नहीं। यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग उसकी एजिंग पॉपुलेशन के बारे में। जी हाँ, चाइना की जो हाल की जनसंख्या है उसमें ज्यादातर जो लोग हैं, खास करके 2022 में जो स्टेटिस्टिक्स निकल कर आए थे उसके बाद ये पता चला कि चाइना में स्पेसिफिक एज ग्रुप के जो लोग उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, और वो लोग ज्यादा एम्प्लॉयबल भी नहीं है, और वे लोग उनकी रिटायरमेंट एज के नजदीक। उसके सामने चाइना की जो अलग अलग पॉलिसीज थी पिछले कुछ दशकों में, जिसमें वन चाइल्ड पॉलिसी थी, कई केसेस में फोर्स अबॉर्शन की भी बात की गई थी कि फोर्स अबॉर्शन भी करवाए गए हैं वहां पर पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे नैरेटिव चलाए गए जैसे कि लॉन्ग लास्ट एंड ड्यू। तो वहां के लोगों की मानसिकता इस प्रकार से बना दी गई कि महिला हो या पुरुष, उन लोगों को देर से शादी करनी चाहिए और बच्चे भी देर से पैदा करने चाहिए, और हो सके तो एक से ज्यादा नहीं पैदा करने। अब नॉर्मल केसेस में जो रिप्लेसमेंट रेट होता है पॉपुलेशन वो 2.1% होता है, यानी कि पर कपल 2.1 चाइल्ड होने चाहिए। अगर वो रेट वहां पर भी मेंटेन रहता है तो वो एक एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट रेट है कि वो पूरी पॉपुलेशन को कुछ ही सालों में रिप्लेस करता है। लेकिन कुछ दशकों पहले चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, जो फर्टिलिटी रेट जिसको बताया जाता है, वो तकरीबन 5 के करीब थी, जिसको कंट्रोल में लाने के लिए, जिसको काबू में लाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जिससे लोगों में ये जो पर्टिकुलर फैमिली ट्री का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको स्लो डाउन किया जा सके ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल में लाया जा सके। शुरुआत में ये चीजें बहुत ही अच्छी लग रही थी क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो स्लो डाउन हो गई थी, लेकिन रिसेंट में 2022 के स्टेटिस्टिक्स के बाद ये जो स्टेप्स उन्होंने पिछले कुछ दशकों में लिए, चाहे वो वन चाइल्ड पॉलिसी हो, फोर्स्ड अबॉर्शन हो,
या फिर अन्य लॉन्ग लास्ट व्यू जैसे नैरेटिव, उनके चलते हाल में जो परिस्थिति निकल कर आई वो काफी ही चिंताजनक। हाल में जैसे कि हमने बताया 140 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन उसमें 2022 में जो ड्रॉप आया था पॉपुलेशन का ड्यू टू रिड्यूस्ड फर्टिलिटी रेट, वो आया था 8,50,000 लोगों का। जी हाँ, 8,50,000 लोग चाइना की पॉपुलेशन में 2022 कम हो गए। एक साल के बाद वो जो संख्या थी वो चली गई थी 2 मिलियन के पार। जी हाँ, एक साल में 20 लाख पॉपुलेशन में ड्रॉप आ गया। तो उसी के चलते वहां की जो लेबर फोर्स है उसमें भी घटोतरी हुई है, लेकिन उसके सामने जो रिप्लेसमेंट रेट, जिस रेट से पॉपुलेशन रिप्लेस होनी चाहिए, जो 2.1 का रेट बताया गया है, उस रेट से वहां पर पॉपुलेशन रिप्लेस नहीं हुई। तो हाल में जो यंग पॉपुलेशन है उनकी संख्या काफी कम बताई जा रही है। इसको लेकर संभवतः आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो जॉब मार्केट है उसमें ज्यादा क्राइसिस नहीं आए होंगे, लेकिन वहां पर जैसे कि हमने बताया जो मैक्सिमम पीपल है जो किसी भी पर्टिकुलर एक एज ग्रुप में है, वो एज ग्रुप है 50 to 54 ईयर्स, जिसमें 8% से ज्यादा चाइनीज लोग उस एज ग्रुप में है। उसके बाद जो पॉपुलेशन एज ग्रुप है वो है 30 से 34 साल का। अब वहां पर चाइना में जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर जॉब्स होती हैं, उसमें ज्यादातर वैकेंसीज के लिए एज लिमिट होती है 35 इयर्स। जी हाँ, सिर्फ 35 साल या उससे कम के लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब्स में लिया जाता है। तो उसी के चलते ये जो लोग हैं जो हाल में 30 से 34 साल के एज ग्रुप के बीच में, वो लोग अगले 5 साल में कम हो जाएंगे, इतने लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाए। साथ ही में रिटायरमेंट एज वहां पर 65 की बताई जाती है, और ये भी चर्चाएं चल रही हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए कि जो रिटायरमेंट एज है जॉब्स उनको बढ़ा दिया जाए 65 की जगह पर, उसको थोड़ा बहुत 5 साल या 10 साल उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन अगर वो ये करते हैं तो सामने उसका काउंटर ये आता है कि जो भी नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन आगे बढ़ ही नहीं रही है, काफी सारे नए स्टूडेंट्स एजुकेशन कंप्लीट करके हर साल जॉब मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। तो अगर ये रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाए तो नई वैकेंसीज ओपन होने के स्कोप कम हो जाए। साथ ही में जो चाइनीज इकोनॉमी हाल में क्रम्बल कर रही है, जिस तरह से पॉलिसीज के चलते और उनकी क्वालिटी के चलते और ट्रेड टैरिफ के चलते वहां के मार्केट्स में से कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर निकल रही हैं, कई इंडिया आ रही हैं, कुछ साउथ कोरिया जा रही हैं, कुछ इंडोनेशिया जा रही हैं या फिर अन्य जगहों पर जा रही हैं। तो उसके चलते ऑलरेडी जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं, और उसी के ये जो रिटायरमेंट एज अगर बढ़ाया जाए तो जो भी नए फ्रेशर्स हैं उन लोगों को जॉब मिलने में और भी मुसीबत हो सकती है। तो इस प्रकार से ये जो पर्टिकुलर एजिंग पॉपुलेशन है चाइना, वो आने वाले कुछ ही सालों रिटायरमेंट एज को मैक्सिमम केसेस में क्रॉस कर जाएगी। अभी तक 65 एंड अबो का जो शेयर था वो तकरीबन 4.9% या 5% के करीब था पूरी चाइनीज पॉपुलेशन के कंटेक्स में, लेकिन पिछले कुछ सालों में एज पर द रिपोर्ट ये जंप करके चला गया है तकरीबन 15% के पार। तो उसी के चलते जो ओल्डर एज पीपल हैं, जो कि रिटायर्ड लोग, उनकी संख्या भी बहुत ही बड़ी है। अगर 100 करोड़ भी पकड़ते हैं तो तकरीबन 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 65 और अबव, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50 से 59 की एज ग्रुप में है। तो उसी के चलते वो भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में वो लोग भी रिटायरमेंट एज को पा लेंगे। तो उसी के चलते उनको रिप्लेस करने के लिए जो वर्कफोर्स चाहिए वो नहीं है, साथ ही में जो जॉब वैकेंसीज चाहिए उसमें भी कमी है, और एआई भी अपना कमाल दिखा रहा है। लेकिन कुछ चाइनीज थिंक टैंक ये बता रहे हैं कि ये जो एआई और रोबोटिक्स का मार्केट आ रहा है उसके चलते ये बात जरूर है कि कई सारे लो स्किल जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे एआई और रोबोट्स के द्वारा, लेकिन उसके सामने नए स्किल जॉब्स ओपन होंगे, जैसे कि रोबोट्स का डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, इस प्रकार के कुछ जॉब्स हैं जो नई अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी मार्केट में। लेकिन फिर भी ये कितनी हो पाएंगी ये देखने वाली बात है। साथ ही में चाइना की हाल की जो पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बनती जा रही है, क्योंकि उनकी वो लोग ज्यादातर सोशल वेलफेयर के ऊपर डिपेंडेंट है, और वहां पर वो इनफ्लो है गवर्नमेंट में वो भी धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है चाइना की गवर्नमेंट के पास। और उन लोगों ने ऑलरेडी बाहर कई सारे देशों को डेट दे रखा है, जो पैसे वापस चाइना में रिटर्न नहीं आ रहे हैं, ना ही उसका इंटरेस्ट आ रहा है, ना ही उसकी जो मेन अमाउंट है, ना ही उसका जो
ओरिजिनल अमाउंट है वो भी वापस आ रहा है, तो उसी के चलते चाइना की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे करके क्रम्बल कर रही है। इसकी इफेक्ट डायरेक्टली रियल एस्टेट मार्केट पर भी होती है, क्योंकि अगर बायर्स की कैपेसिटी ही नहीं है तो वे लोग रियल एस्टेट परचेज नहीं कर पाएंगे। तो उसी के चलते रिसेंटली रियल एस्टेट में भी बहुत ही बड़ा डाउनफॉल ऑलरेडी आया है, उसको भी रिवाइव करने की कॉन्स्टेंट कोशिशें चल रही हैं, लेकिन उसके सामने क्या उतनी डिमांड जनरेट हो पाएगी, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल चाइना में आज खड़ा हो गया। तो किसी प्रकार से चाइना की जो एजिंग पॉपुलेशन है उसके चलते आने वाले कुछ ही सालों के अंदर चाइना में जो एफिशिएंट वर्कफोर्स है, साथ ही में जो चीप लेबर फोर्स है, उन लोगों की संख्या में बहुत ही बड़ी मात्रा में कमी आने वाली है। और जो एजिंग पॉपुलेशन है जो वेलफेयर पर डिपेंडेंट है, उन लोगों की संख्या बढ़ने वाली है। तो उन लोगों को कैसे टैकल किया जाए और उनके खर्चे गवर्नमेंट कैसे उठाए, ये चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल होने वाला है, उनकी इकोनॉमी पर एक बहुत ही बड़ा बर्डन बनने वाला है। तो आने वाले कुछ ही सालों में चाइना की इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। ये धीरे धीरे प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है पिछले 2-3 सालों से, और आने वाले सालों में ये और भी स्पीड अप हो सकता है। साथ ही में जो नई पॉपुलेशन है वो आती जा रही है जॉब मार्केट में, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज उतनी नई ओपन नहीं हो रही है। जैसे कि हमने बताया, कंपनीज बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाकर रखती थी वो भी वहां से बाहर निकल रही हैं और कई सारे अन्य देशों में ऑप्शन ढूंढ रही हैं, ताकि वे लोग वहां जाकर शांति से अपना बिजनेस कर पाए और गवर्नमेंट के साथ इस प्रकार के कोई भी पॉलिसी इश्यूज ना हो, कोई भी ट्रेड वॉर के चलते इश्यूज ना हो, जिसके चलते उनके प्रोडक्शन और सेल्स के ऊपर और पूरे लॉजिस्टिक्स के ऊपर कोई भी असर पड़े। तो इसी के चलते चाइना में आने वाले कुछ ही सालों ये जो प्रॉब्लम हमको भी कुछ ही समय पहले लग रहा था, वो आने वाले कुछ ही समय में बहुत ही तेजी से बड़ा होने वाला है और बहुत ही तेजी से चाइनीज इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा नुकसान होने की संभावना देखी जा रही। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, यहां तक कि वहां की जो लोकल न्यूज़पेपर हैं, जो कि सीसीपी के, जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के माउथपीस बताए जाते हैं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उनके भी रिपोर्ट्स हैं इसी को लेकर, उनकी एजिंग पॉपुलेशन को लेकर। लेकिन फिर भी वो लोग ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत वही है कि जहां पर एक तरफ सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ उसके भी काउंटर तैयार हैं। अगर एजिंग ग्रुप को जस्टिफाई करने की, उनको एम्प्लॉयड रखने की अगर कोशिश की जा रही हो, तो उसी के सामने जो नए लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए नई वैकेंसीज कहां से आएंगी, ये उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर जो एजिंग ग्रुप है उनको रिटायर कर लिया जाए, तो फिर उन वैकेंसीज में जो एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत होती है, ऐसे लोगों को किस तरह से एम्प्लॉय किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और साथ ही में आने वाले कुछ ही सालों के अंदर, जैसे कि हमने बताया कि 30 से 34 की एज ग्रुप के लोग भी काफी ज्यादा मात्रा में, तो वो भी धीरे धीरे करके 40, 50 और 60 की एज ग्रुप में आ जाएंगे। तो उसी के चलते आने वाले कुछ सालों में 5 साल, 10 साल, 15 साल बहुत ही बड़ी मात्रा में वो संख्या होने वाली है, और उनका जो रिप्लेसमेंट रेट है जैसे कि हमने बताया वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो उसी के चलते ये जो हाल में पॉपुलेशन थी, जिसके चलते जिसके कंधों पर चाइनीज इकोनॉमी ने इतनी तेजी से आगे कुछ की थी, वो शायद आने वाले समय में संभव नहीं हो पाएगा। रादर ऐसे सभी लोग जो अभी तक चाइनीज इकोनॉमी के लिए एक आशीर्वाद रूप बने हुए थे, वो संभव कि आने वाले समय में चाइना के लिए अभिशाप रूप बन जाएंगे। ऐसी परिस्थिति भारत में भी खड़ी हो सकती है, इसीलिए भारत में हम सभी को इसके लिए चौकन्ना रहना होगा। भारत की सरकार ऐसी कोई भी वन चाइल्ड पॉलिसी या फोर्स अबॉर्शन या इस प्रकार की कोई भी नैरेटिव्स नहीं चला रही है, जिसके चलते ऐसी कोई भी चीजें हो और पॉपुलेशन एकदम ही सडन डिक्लाइन में आ जाए या फिर सडनली पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, जिसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ही नेगेटिव हो, जैसे कि चाइना में हाल में होने वाली है। तो उसी के चलते भारत में एक रे ऑफ होप है, एक आशा की किरण है कि ऐसी परिस्थिति संभवतः नहीं आएगी। चाइना के पास ऐसा कोई भी एग्जाम्पल, ऐसा कोई भी ऐतिहासिक उदाहरण नहीं है जिसको साइट करके, जिसका रेफरेंस लेके, जिसमें से सीख लेकर वो इस परिस्थिति का सॉल्यूशन निकाल पाए। तो उसको कुछ इनोवेटिव करना होगा। आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से वहां के जो चाइनीज पॉलिसी मेकर्स हैं और थिंक टैंक्स हैं, वो इसके ऊपर पॉलिसीज बनाते हैं और सीसीपी कैसे उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है, ताकि चाइनीज पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन, उनको मेंटेन रखा जा सके। और साथ ही में जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो 50 प्लस की हाल में एजिंग पॉपुलेशन है,
उन लोगों को भी कैसे सस्टेन किया जाए, वो भी एक देखने वाली चीज होने वाली। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। क्या आप जानते थे चाइना की इस परिस्थिति के बारे में, ये जो पर्टिकुलर एजिंग पॉपुलेशन है उसके बारे में, या हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी और हमारा प्रेजेंटेशन कैसा लगा, ये भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने, साथ ही में QR कोड दिया है तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें, ताकि हम लोग इस प्रकार की खबरें लाते रहें और भी गहराई में जाते रहें और आप लोगों को अवेयर करते। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।